हम इस समय मौजूद हैं शाहजहाँपुर के मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर जो लगातार नॉर्मल बुखार के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर इलाज मुहैया हो रहा है और किस तरीके से उनको देखा जा रहा है, कि दवाइयाँ उनके पास पहुँच रही हैं या उनको इलाज के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे यहाँ के तीमारदारों से, किस तरीके से यहाँ पर वो भर्ती हुए हैं और क्या पूरी व्यवस्था है हम दिखाना चाहेंगे। हम देखिए मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके तहत यहाँ पर पूरी तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर हम अभी कुछ तीमारदारों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनको यहाँ पर भर्ती किया गया, क्या उनके उनका इलाज किस तरीके से यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा, सीधी बातचीत करेंगे उनसे, पूछते हैं किस तरीके से यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पेशेंट हैं और क्या उनके। रजनी शुक्ला रजनी, क्या हो गया इनको? इनका फीवर आ रहा था जी। कब लेके आए थे आज? 12:30 बजे जी। किस तरीके की दिक्कत थी बता तो रहे, फीवर आ रहा था, चोट लगी थी, उठ नहीं पा रही थी, गिर गई थी, चोट लगी थी। इलाज यहाँ पर सही तरीके से हो रहा है? नहीं, जब से लगा तब से सही तरीके से हो रहा है। नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताया तो उन्हें सही है फिलहाल। नहीं आज ही लेके आए थे 12:30 बजे। लोग बता रहे हैं कि नॉर्मली बुखार है और उनको लेकर आए हैं, बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से पेशेंट लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने अपने तीमारदारों के साथ मौजूद हैं, और कुछ यहाँ पर पेशेंट ऐसे भी हैं जो केवल बुखार के ही हैं, जिनका इलाज पूरी तरीके से यहाँ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मौजूद हैं और इनका इलाज और जो लोग हैं उनके तीमारदार के साथ में मौजूद हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने दवाइयाँ लगा दी हैं, उनको देख रहे हैं और क्या वाकई में पूरे तरीके से इनको इलाज मुहैया हो पा रहा है, देखने वाली बात ये होगी। अब देखना ये होगा शाहजहाँपुर में किस तरीके से जो बुखार है, फीवर जो चल रहा है, उसके पेशेंट कितने निकल रहे हैं। आइए हम अब आगे भी जानेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और क्या उनका वार्डों में इलाज चल रहा है। शाहजहाँपुर से एबीस्टार के लिए उमेश खान की रिपोर्ट। इस समय हम जो लगातार पेशेंट जो हैं बुखार के बढ़ रहे हैं, हम ऊपर 3rd फ्लोर पर आए हैं मेडिकल कॉलेज के, जहां पर हम जो तीमारदार हैं उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से उनको यहां दवाइयां मुहैया हो रही हैं और क्या उनको किस तरीके से उनका इलाज हो रहा है, डॉक्टर उनको देखने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे चल के तीमारदारों से। आइए एक मिनट, हम आपको जरा थोड़ा दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर कितने मरीज हैं और लगातार कौन कौन से पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, फीवर के हैं या वायरल के, जो लगातार मलेरिया को लेकर और जो हल्के फुल्के जो पेशेंट हैं बुखार के, वो उनको जो है यहाँ पर जो है भर्ती कराया जाता है। हम बात करेंगे, आइए तीमारदार हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब क्या हो गया था? हमारा कोई हार्ट तकलीफ है, हार्ट बढ़ जा। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल बुखार के जैसे जो आपका हार्ट फीवर जो है, तरीके से यहाँ पे अब हमें तो एकदम मालूम हुआ। इलाज हो रहा है? आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं। हम चलते हैं दूसरे वार्डों में, किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था है, डॉक्टर लोग किस तरीके से उनको देख रहे हैं और क्या उनकी तैयारी है और मतलब पूरी तरीके से उनका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे साथ में तीमारदार लोग मौजूद हैं, हम जानते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर आए हैं और क्या उनका इलाज चल रहा है। ये बताइए आप यहाँ पर कब आए थे? कल आए थे, यहाँ पर आज आए हैं। क्या दिक्कत थी? दिक्कत है, टीवी है, बुखार भी आ रहा था, पता नहीं है कि नहीं है। हाँ, इलाज डॉक्टर लोग कर रहे हैं? इलाज डॉक्टर लोग कर रहे हैं तो हैं। हाँ, मतलब देख रहे हैं। हाँ, दवाइयाँ मिल रही हैं? दवाइयाँ अब हमें सर पता नहीं, अभी दिखवाया है आपने? हाँ। तो अभी कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि टीवी के भी हैं, सब मिक्स झुल मतलब मिक्स हैं करीब, तो अभी पूरी तरीके से नॉर्मल बुखार के पेशेंट जो हैं ज़रा यहाँ कम हैं, तो इसको लेकर जो 3 पेशेंट केवल जो हैं बुखार के यहाँ पर आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके से उनका इलाज हो रहा है, क्या उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में की गई हैं। आइए हम सीधे बातचीत करते हैं किस तरीके से उनका वहाँ इलाज चल रहा है। देखिए ये पूरा जो है बुखार का फीवर का वार्ड है, इसमें 3-4 लोग करीब भर्ती हैं और उनको जो है इलाज के लिए क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई हैं, अभी अब उनसे सीधी बातचीत करते हैं किस तरीके से उनको यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं। बुखार था? हाँ।
ना ही दिक्कत है कुछ। मैं अपने सहयोगियों से कहना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर लोग पेशेंट यहाँ पर भर्ती हैं, आप देख सकते हैं ये दो चार लोग जो हैं यहाँ मिक्स हैं सारे लोग, इक्का दुक्का लोग जो हैं बुखार के हैं और एक लोग यहाँ पे बुखार के पेशेंट हैं। हम उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे कि कब वो इनको लेके आए थे, किस तरीके से इनको यहाँ सुविधाएँ मिल रही हैं और क्या उनको कोई किसी तरीके की दिक्कत है। आप इनको कब लेके आए थे? परसों। हाँ। क्या था इनको? बुखार था। बुखार आ गया था? हाँ। कब आया था? बुखार तो दिल्ली में था जे। ना दिल्ली में, हाँ। घर में था। अच्छा। बुखार लिया ते दवाई ली गांव में तो उसने फायदा नहीं किया, ये फायदा नहीं किया उनके घबराहट भरते हैं ऊपर को तो तभी यहाँ लेके आए भर्ती कराई। हाँ। हाँ तो दवाइयाँ है, इलाज है, कैसा हो रहा है? हम आ जाए साहब इनसे बोलो ये। हाँ देख रहे हैं। कब लेके आए थे आप? हाँ कब लेके आए थे? परसों। परसों लेके आए थे? हाँ। ठीक इलाज हो रहा है? हाँ हाँ। दवाई वगैरह कोई चीज़ की दिक्कत ना ही दिक्कत है कुछ? ठीक इलाज हो रहा है? हाँ इलाज हो रहा है और काफ़ी संतुष्ट हैं यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी, और हालांकि कम यहाँ पर बुखार के पेशेंट हैं और कहीं ना कहीं जो बढ़ रहे हैं उनके लिए भी जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। हालांकि नॉर्मल तौर से ही पेशेंट आ रहे हैं। शाहजहाँपुर से एबी स्टार के लिए मोहम्मद शान की रिपोर्ट। लगातार पेशेंट जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, हर तरीके का पेशेंट यहाँ मेडिकल कॉलेज में आ रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं या उनका इलाज सही से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है इसको लेकर हम कुछ तीमारदारों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके उनका इलाज हो रहा है। ये बताइए क्या नाम है आपका? कीती। क्या है? इन्हें बुखार चढ़ हुआ, अब दर्द हो रहा है। कब से आ रहा है? दो दिन से आ रहा है। इलाज कैसा हो रहा है? अभी तो लाए हैं हम यहाँ। हाँ अभी इलाज हो रहा है, बाद में अभी तो सही हो रहा है। हाँ अभी आए। हाँ लगा गए जो कम बोतल लगा। अभी कुछ नहीं दिक्कत है, बाबा तब बतावें। अरे हो गए दो तीन दिन। हाँ भर्ती आज करवाई। हाँ आज जैसे कि यहाँ पर एक दो लोग पेशेंट बता रहे हैं कि दो तीन दिन से बुखार आने के तेज आने के बाद में फिर वो यहाँ जिला अस्पताल लाए गए। यहाँ पर ये बताइए ये आपके साथ में क्या दिक्कत है? इन्हें जाड़ो बुखार हुआ। जाड़ो बुखार आ रही है? कब से आ रही है? तीन चार दिन है। इलाज हो रहा है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। आपने लेके आए थे कब से? अब तक आराम मिली है कुछ? आ रहा है अभी आए। और मौजूद हैं वो भी हम बताएं, उनसे बातचीत करेंगे क्या उनको दिक्कतें हैं और कब उनको लेके आए थे और क्या हालत है। अभी हम कुछ देर पहले आए, मोइन खान नाम है मेरा और अभी हम लेके आए, बहन है मेरी। तो आते इनके डॉक्टर ने दवाई वे लगाई, कोई दिक्कत नहीं है, खैर आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। काम जी बुखार था। देखा आपने, लोग बता रहे हैं कि मतलब नॉर्मल बुखार के पेशेंट आ रहे हैं और शाम तक रहने के बाद में, इलाज होने के बाद में वो अपने घर भी जा रहे हैं वापस, जैसे डॉक्टर लोगों ने बताया। और भी हमारे साथ लोग, आप क्या हो गया? इनको फीलिया हो गया है। हाँ बेड नहीं मिला है, मिल पाया है, बहुत मरीज दिक्कत में है। लीव आज ही आए सर। आज ही आए थे? हाँ। और कितने बजे आए थे? ऐसे हो गया लगभग 2 बजे करीब आए, 2:30 बजे करीब। 2:30 बजे जी। तो डॉक्टर लोगों ने क्या कहा? डॉक्टर लोग देखे हैं तुरंत और लगाए हैं बोतल वगैरह लगाए हैं, बोले थोड़ी देर में बेड वेड मिल जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ समस्याएं भी हैं उनकी जो अभी तक यहाँ पर जो है पूरी नहीं की गई हैं। और एक महिला और भी है यहाँ मौजूद, क्या उसकी हालत है और किस तरीके की बीमार है? क्या नाम है भैया आपका? उधमपाल सिंह। क्या हो गया इनको? इनको पलटी होती है, पेट पिरा देगा, कई पलटी आ चुकी है। अब दवा कोई 20 लाऊंगा 50 लाऊंगा, कोई सुनता ही नहीं, क्या करें? अरे 20 लाऊंगा 50 लाऊंगा, क्या करें? हमारी सुनते ही नहीं। हम कल ले आए थे रात के लिए, हम 10 बजे। हाँ तो देखा ना, कहा इसे देख के भाग जाए, दूरी में देखा तो भाग जाते। शाहजहाँपुर में डेंगू और के लगातार फीवर बढ़ने के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हमने जो है वार्ड में भी आकर लोगों से बातचीत की है तो उसमें भी कई पेशेंट निकले और क्या किस तरीके से वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और जो उनकी समस्याएं थी उसको लेकर भी हम आज यहाँ के प्राचार्य जो हैं मेडिकल कॉलेज से उनसे बात करेंगे। राजेश जी से किस तरीके से उन्होंने यहाँ व्यवस्थाएँ की और क्या डेंगू को लेकर कितने वार्ड बनाए गए हैं उस पर सीधी बातचीत करेंगे। राजेश जी से किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएँ की हैं सर, ये बताइए जो लगातार डेंगू के पेशेंट हैं
नहीं देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ डेंगू के केसेस है ही नहीं। सिर्फ हमें अभी तक जो 1 तारीख से लेकर के आज 10 तारीख हो गई, 3 केसेस हमने डायग्नोज किए अभी तक, ठीक है। तो डेंगू की बीमारी शाहजहाँपुर में है ही नहीं, और हर बुखार डेंगू नहीं होता है, ठीक है, ये भी मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं बुखार होने के। क्योंकि ये बरसात का सीज़न जो होता है हर साल, उसके बाद में कुछ ना कुछ केस जो है बढ़ते हैं बुखार के, तो उसी एक प्रोपोर्शन में नॉर्मली जितना बढ़ना चाहिए उतने ही बढ़े हैं, कोई एक्स्ट्रा बुखार के मरीज नहीं बढ़े हैं यहाँ पे। रही बात सुविधाओं की, तो अगर मान लीजिए जैसे कि प्रदेश की स्थिति हम देख रहे हैं कि उसमें डेंगू के केसेज आ रहे हैं कई जगह पर, और मलेरिया के केसेज भी आ रहे हैं, और भी अन्य बीमारियाँ जिनके केसेज आ रहे हैं, उस अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारे शाहजहाँपुर में भी इस तरीके के केस आए, तो हम उसके लिए समुचित व्यवस्था किए हुए हैं। हमने जांचें की व्यवस्था की हुई है, दवाइयों की व्यवस्था है, वार्ड में हमने बिल्कुल तैयार करके रखे हुए हैं। एक जो हमारे पास में 100 बेड का हमने पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाई थी कोविड के लिए, क्योंकि कोविड के केसेस हैं नहीं, तो हम उसको भी पूरा इसमें इस्तेमाल करने के विचार कर रहे हैं। जैसे कि लगातार से जो नॉर्मल फीवर भी है उसको लेकर के यहाँ का जो जैसे कि मरीज आए हैं बुखार के, कुछ पेशेंट बाहर में देखे हैं, नहीं मरीज दो जगह से आता है हमारे पास में, एक तो ओपीडी से और दूसरा जो है इमरजेंसी से, जहाँ से भर्ती होता है। तो मरीज अगर ओपीडी से आता है और भर्ती करने लायक नहीं है, तो उसको ओपीडी के पर्चे पे ही उसकी जो है दवाई लिख दी जाती है, उसकी जांच लिख दी जाती है, एक व्यवस्था तो ये है। दूसरी, कुछ मरीज होते हैं उनको भर्ती करने की जरूरत पड़ जाती है, तो उनको वार्ड में हम लोग भर्ती करते हैं, उनकी जाँच करते हैं, उनको दवाएँ देते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, ये हमारी व्यवस्था रहती है। हाँ, मलेरिया डेंगू के दोनों हमने व्यवस्था कर रखी है, और जो वार्ड में मच्छरदानी वगैरह भी लगा के रखी हुई है, तो उसकी पूरी व्यवस्था है हमारे पास में। जैसे कि आपने देखा किस तरीके से जो है यहाँ के प्राचार्य जी ने हमको जानकारी दी है, लगातार आप लगातार बने रहें, हम बाहर भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानकारी लगातार अपने विशा न्यूज़ के माध्यम से देते रहेंगे। मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर के पास जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तीमारदारों के जो साथ आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से उनको इलाज मुहैया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या पूरी बातचीत करेंगे उनसे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? आलोक शुक्ला। जैसे हम यहाँ आए हैं कि लगभग आधा एक घंटा डॉक्टरों के पीछे दौड़ते रहे, उससे कोई सुनवाई नहीं होती, फिर बाद में जब बहुत मतलब हमने डांटा और चिल्लाए तब जाके उन्होंने एक्शन लिया। हमारा पेशेंट जो है उसके मतलब अजीब जैसे नहीं सूजन है पूरे शरीर में, ठीक है, तो उसको लेके आए थे, तब जाके उसको दवाई मिली। अभी आपको जैसे दादा ने दिखाया है कि वहाँ पे एक पेशेंट पड़ी थी औरत, उसको सुबह से ना दवाई लगी है ना कोई भी उपचार नहीं किया जा रहा है उसका, और अगर 1 घंटे तक उपचार नहीं किया गया तो वो मर भी सकती है। अभी उसने उल्टियाँ की और दर्द किससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हम तो अभी 2:30 बजे करीब लाए थे अपने पेशेंट को। एक हमारे साथ में और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला सर। शिवम जी, जो है किस तरीके से यहाँ पर आप अपने मरीज को लेके आए थे, क्या इलाज चल रहा है, डॉक्टर लोग सही तरीके से देख रहे हैं? देख रहे हैं सही से सर, मगर वो औरत ही मतलब उसी को नहीं सही से देख रहे हैं। आप अपने जो पेशेंट को लेके आए थे, बुखार था क्या? वो सूजन ही है, वो हम एक साथ हैं। तो आपने देखा किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि मतलब डॉक्टर कुछ लोग डॉक्टरों ने एक पेशेंट को अभी नहीं देखा है और बाकी पेशेंट को जो आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, और लगातार आप बने रहिए शाहजहाँपुर से विस्तार के लिए। मोहम्मद शान की रिपोर्ट।